अभी जेल की हवा खाएंगे नसीबुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर। बता दें कि इन लोगों ने मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था। यहां से कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया था। हालांकि दोनों नेताओं ने सरेंडर के साथ अंतरिम जमानत की अर्जी भी डाली थी, लेकिन यह खारिज हो गई। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं और उनकी बेटी पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में बीते मंगलवार को जेल भेजे गए बसपा के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर फिलहाल अभी और दिन जेल में गुजारेंगे। उनकी जमानत याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें मंगलवार को दोनों नेताओं ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था। यहां से कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। हालांकि दोनों नेताओं ने सरेंडर के साथ अंतरिम जमानत की अर्जी भी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले दोनों नेताओं को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में लखनऊ के इंस्पेक्टर हजरतगंज को 20 फरवरी तक कुर्की की आख्या भी पेश करने का आदेश दिया था। मामला विस्तार से समझाते हैं। बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम, अतर सिंह राव, नौशाद अली भी इस मामले में अभियुक्त हैं। 12 जनवरी को सभी अभियुक्तों के खिलाफ 508, 509, 153 ए, 34 और पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल हुई थी। बता दें बसपा सुप्रीमो के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नेता की अमर्यादित टिप्पणी के बाद भड़के बसपा नेताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया था। इस दौरान दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह, मां तेतरी देवी और नाबालिग बेटी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। मामले में 22 जुलाई 2016 को दयाशंकर सिंह की मां तेतरी देवी ने हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर को पेश होना था, लेकिन वारंट जारी होने और भगोड़ा घोषित होने के बाद दोनों कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और हाजिरी माफी और तारीख बढ़ाने की अर्जी दी। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह अर्जी पोषणीय नहीं है। वहीं तीन आरोपी मेवालाल गौतम, अतर सिंह राव, नौशाद अली कोर्ट में पेश हुए थे। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों ही यानी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर दोनों ही जेल की हवा खाएंगे और इन्हें कब यहां से मुक्ति मिलेगी यह वक्त ही बताएगा। आप देख रहे थे द दस्तक 24। नमस्कार।